नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। नॉर्थ कोरिया के हालात होते जा रहे हैं बद से बदतर। देश में 7,000 में कॉफी तो 3,000 में बिक रहा है केला। अपनी परेशानी को पूरे विश्व के सामने पहली बार खुलकर व्यक्त करने के बाद किम जोंग उन ने देश में चल रही महंगाई का कारण देश में पनप रही अन्न की कमी को बताया। किसान आंदोलन के 200 दिन बीत जाने के बाद राकेश टिकैत ने की आंदोलन तेज करने की अपील। कहा ट्रैक्टर, ट्विटर और ट्रॉली तीनों चलाने पड़ेंगे। कोरोना महामारी के दरमियान लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे कर्मचारियों को बीमा कवर देने पर अब होगा विचार। केंद्र ने मदद की भावना से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। अब देश के 6,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगा फ्री इंटरनेट। रेलवे मंत्रालय ने किया ऐलान। ईडी की कार्रवाई के चलते फेमा उल्लंघन में कारोबारी अविनाश भोसले की 40 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को किया गया रद्द। ये लगातार दूसरा साल है जब अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। इस बार भी पिछली बार की तरह श्रद्धालु ऑनलाइन ही कर सकेंगे बाबा के दर्शन। स्वास्थ्य विभाग ने की एक और बड़ी लापरवाही। इस बार एक व्यक्ति को आधे घंटे में कोविड की दे दी 2 खुराक। उड़ीसा के मयूरभंज में हुई घटना। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल 12 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस मामले में यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को भेजा नया नोटिस। कहा 24 जून को पुलिस थाने में हाजिर हों वरना होगी सख्त कार्रवाई। तमिलनाडु में हुआ एक दर्दनाक हादसा। विरुधुनगर के अवैध फैक्ट्री में पटाखा बनाते वक्त हुआ भीषण धमाका। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 2 की हालत हुई गंभीर। जस्टिस एमएन भंडारी होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 26 जून से संभालेंगे पद। 9 देशों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का मचा खौफ। भारत में भी पाए गए इसके 22 मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी बरतने के लिए 3 राज्यों को भेजी चिट्ठी। ईडी ने भगोड़े नीरव, मेहुल और माल्या पर लिया बड़ा एक्शन। बैंकों को लौटाई गई 9,371 करोड़ की जब्त संपत्ति। नीरव मोदी मामले में प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट ने अपील की खारिज। कहा फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं। इसी के चलते नीरव मोदी को अब जल्द भारत वापस लाया जा सकता है। एलोपैथी पर दिए विवादित बयान के खिलाफ दर्ज मामलों को योगगुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। अलग अलग जगहों पर दर्ज FIR, दिल्ली ट्रांसफर करने की रखी मांग। जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर सेक्टर में 27 किलो हीरोइन किया गया जब्त। इसकी कीमत करीब 135 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा BSF ने तस्कर को भी मार गिराया। धर्मांतरण मामले में हुए नए खुलासे में मालूम हुआ कि यह नेटवर्क 7 राज्यों में फैला हुआ था। वहीं नोएडा और केरल में होती थी आतंकवाद की ट्रेनिंग। भारत को एक और विदेशी टीके की मंजूरी की है उम्मीद। देश में फाइजर वैक्सीन की मंजूरी की प्रक्रिया पहुंची आखिरी दौर पर। सितंबर तक मिल सकती है वैक्सीन को मंजूरी। श्रीनगर में हुआ आतंकी हमला। CID इंस्पेक्टर को आतंकवादियों ने घर के पास मारी 3 गोलियां। इलाज के दौरान अफसर ने तोड़ा दम। उज्जैन में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई पहली मौत। संक्रमण से जान गंवाने वाली महिला को नहीं लगा था टीके का एक भी डोज। MP के हरदा में जन्मी दुर्लभ बच्ची जिसके दोनों पैर घुटने से थे उल्टे, जिसके बाद माता पिता अस्पताल में ही बच्ची को छोड़कर चले गए। डॉक्टर्स बोले गर्म में कम समय रहने के कारण हुआ ऐसा। कुछ देशों में वैक्सीन ना लगवाने की मिल रही है गंभीर सजा। फिलीपींस के राष्ट्रपति बोले अगर वैक्सीनेशन से इनकार किया तो जेल जाने के लिए रहे तैयार। कोरोना के सभी वेरिएंट को रोकने के लिए बनाया जा रहा है एक टीका। अमेरिकी वैज्ञानिकों की 2nd जनरेशन वैक्सीन का चूहों पर ट्रायल हुआ सफल। अगले साल इंसानों पर हो सकता है टेस्ट। नागालैंड के दीमापुर में 8 NSCN कैडर और 4 ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं को ड्रग मामले में किया गया गिरफ्तार। 18 जंगली हाथियों के मरने के बाद असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बनाए जाएंगे 9 एलिफेंट कॉरिडोर्स। अब हाथियों की सुरक्षा हो सकेगी और भी ज्यादा मजबूत। मेघालय में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों शोरों से है जारी। शिलोंग के पुलिस बाजार और किटिंग रोड एरिया को करवाया गया 100% वैक्सीनेट। CM कोनराड संगमा ने दी जानकारी। केरल में कोका कोला के बंद पड़े प्लांट को 550 बेड वाले COVID-19 अस्पताल में किया गया तब्दील। राज्यों को कोरोना से लड़ने में मिलेगी मदद। तमिलनाडु में पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की हो गई मौत। घटना के बाद सब इंस्पेक्टर को किया गया गिरफ्तार। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मीडिया को लगाई फटकार। कहा मीडिया को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार कर कोरोना महामारी के प्रति अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। रेलवे ने किया 56 स्पेशल ट्रेनों की अवधि में विस्तार। यूपी बिहार के यात्रियों को होगा लाभ। वडोदरा की नर्मदा कैनाल में मिली लाशें बनी मगरमच्छों की शिकार। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन में बचा हड़कंप।
मुकेश अंबानी ने जियो का इंटरनेशनलाइजेशन करने का किया ऐलान, साथ ही जियोफोन नेक्स्ट और अमेरिका के साथ डील करने की भी कही बात। इजरायली दूतावास ब्लास्ट केस के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 छात्रों को किया गिरफ्तार, तहकीकात करने पर पाया गया कि सभी कारगिल के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आंध्र प्रदेश में रद्द की गई 10वीं और 12वीं की परीक्षा। कोरोना पर मुंबई में बीएमसी ने दिखाई सख्ती, बिना मास्क घूमने वालों से 449 दिन में वसूला गया 98 करोड़ रुपए का जुर्माना, इनमें से 88 लाख का फाइन पिछले 10 दिनों में वसूला गया। बंगाल में चुनावी हिंसा की होगी जांच, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई 7 सदस्यों वाली कमेटी।